मेक इन इंडिया, जी हाँ, इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बताया कि 2023-24 के लिए देश का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 32% बढ़ गया है। 2023-24 में भारत ने लगभग 21,000 करोड़ के हथियारों का निर्यात किया, जो आज तक का रिकॉर्ड है। रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में बताया, देश की 50 बड़ी कंपनियों ने दुनिया के 85 कंट्रीज को रक्षा हथियारों का निर्यात किया है। डेटा के मुताबिक देश में 1,00,000 करोड़ का रक्षा उत्पादन किया गया, जिसमें से 21,000 करोड़ का माल बाहर बेचा गया। रक्षा मंत्री ने बताया, LCA तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर दुनिया में दिलचस्पी है। रक्षा मंत्री ने इसके लिए पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में देश की निजी और सरकारी रक्षा कंपनियों ने किस प्रकार उत्पादन को बढ़ाया है। ताकि जानकार मानते हैं कि दुनिया में युद्ध हालात बढ़ रहे हैं और ऐसे में रक्षा निर्यात बढ़ना स्वाभाविक था। भारत ने जिन देशों को हथियार बेचे उनमें रूस और इजराइल का नाम बड़ा है। ये दोनों ही देश इस समय युद्ध में इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये युद्ध का परिणाम है या भारत ने सच में आत्मनिर्भरता हासिल की है? बताइए कमेंट बॉक्स में।